प्रदेश सरकार की चल रही स्थानांतरण नीति के चलते किए गए तबादलों को लेकर भड़के स्वास्थ्य विभाग के बाबुओं ने हड़ताल कर की जबरदस्त नारेबाजी। यूपी मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के बैनर तले एक बैठक सिविल लाइन स्थित सीएमओ ऑफिस में आज जिले भर के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने एकत्र होकर आयोजित की। अध्यक्ष नत्थु सिंह व मंत्री विजय बहादुर के नेतृत्व में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि सरकार ने पूरे प्रदेश में जितने भी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के तबादले किए हैं उन्हें निरस्त किया जाए। आज जिले के बाबू माधुरी भारती, बाबूराम सैनी, हिमांशु गुप्ता, राशि सक्सेना, सुभाष चंद्र, अश्विनी कुमार, अनुज गुप्ता व शीलू गुप्ता सीएमओ ऑफिस पहुंचे और जबरदस्त नारेबाजी करते हुए अपना रोष प्रकट किया। जी, ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है ये उत्तर प्रदेश के 1771 ट्रांसफर करने गलत नीति के तहत किए गए हैं, जो कि 70% है। सरकार की नीति 20% ट्रांसफर की होती है और ऐसे ट्रांसफर किए गए हैं जैसे कैंसर पीड़ित है, दाम्पत्य नीति है और जैसे पति पत्नी नौकरी पे, इसके बावजूद भी उन्होंने गलत नीति के तहत ट्रांसफर कर दिए गए हैं। हमारी ये मांग है कि जब तक हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के लिपिकों का ट्रांसफर निरस्त न किया जाएगा तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा।